Purna Suddha Nitya Mukta Avinashyat Navanat Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasavidya Purna Suddha Nitya Mukta Avinashyat Navanat Bhagavan ka na and Bhagavan Abhinna Abhinashyat Navanat जैसे इधर में भौतिक जगत में नाम और वस्तु अलग होता, जैसा आप प्यास हो जल वस्तु चाहिए आप, और यदि आप केवल जल का नाम ले जल 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 तो आप प्यास नहीं छोड़ क्यों, ये दैत्य जगत है, जल हम चीज है, जल का नाम और एक थी, और भगवान वस्तु अद्वै क्या है, अद्वैत भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला इत्यादि सब एक है। ये ना समझिए कि अभी एक मित्र ने हमको पूछ रहा था कि जिसका नाम में आस्था नहीं है उसको क्या भगवान को नहीं मिलेगा, भगवान में आस्था है बाकी भगवान का नाम में आस्था नहीं। तो ये जो प्रश्न है ये कोई विद्वान का प्रश्न नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं होता, यदि भगवान में उसका आस्था है तो भगवान का नाम में जरूर आता हो, क्योंकि जब तक वो अवतार ज्ञान भूमिका में नहीं पहुंचे होंगे तब तक उसको दैत्य दर्शन हो, केवल अद्वैतवादी होने से नहीं हो, अनुभव करना चाहिए। जो सर्वम खलिलम ब्रह्म, जो सभी ब्रह्म है, तो भगवान का नाम भगवान से अलग कैसे हो, तो नाम ही ब्रह्म है, ये शास्त्र में मानते भी है। ये नाम चिंतामणि कृष्ण, जो ये जो भगवान का नाम है कृष्ण कृष्ण है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य चेतन वस्तु जड़ वस्तु नहीं है, चैतन्य रस विग्रह और सब रस का आधार है, रसो वही था नाम करते करते नाम करने का कई एक तो होता है, पहले नाम को अपराध युक्त होता है। अभी एक मित्र से बातचीत कर रहा था कि नाम अपराध, नाम को अगर कोई शुभ किया तो शाम कर ले, शाम शुभ किया मत प्रमाद, जो नाम करके मैं कुछ भौतिक लाभ उठा ले अपराध। भगवान देव वस्तु है, भगवान को अपना सीमा में आप नहीं बना सकते, ये जो हमारा धर्मता अवनति हुई है उसका क्या कारण है, भगवान देव वस्तु को अपना काम में लगाने का, भगवत भक्ति करके दुनिया का कुछ लाभ उठाने चाहता और आखिरी में कुछ नहीं तो मुक्ति चाहता, वो भी एक लाभ उठाना, जो चाहते हैं को उसके लिए भगवान भक्ति नहीं, कर्मी वो भी चाहते हैं, ज्ञानी वो भी चाहते हैं, जो भी वो भी चाहते हैं, तो मान है कर्मी लोग चाहते हैं हमको दुनिया सब मिल जाओ, दुनिया का जितना धन दौलत है सब हमको मिल जाए हम खूब भोग कर, और ज्ञानी जो देख रहे हैं कि दुनिया में भोग में कुछ है नहीं, ब्रह्म तत्व तो है तो मैं ब्रह्म बन जाऊं, वो भी एक मान है। ये दुनिया में चाहते प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो चाहते भगवान में, उनका मान और बहुत ज्यादा है, ये तो बेचारी गरीब है प्राइम मिनिस्टर हो जाए ये बिरला हो जाए तो संतोष हो, वो चाहते मैं खुद भगवान हो जाए लक्ष्मीपति, हजारों लक्ष्मी हमारी सेवा में लेने बेटी, अगर मैं वो चाहता है, और योगी वो सिद्धि चाहते है अरिमा लघिमा प्राप्ति इत्यादि, छोटे से छोटे हो जाए बड़े से बड़े हो जाए, जो चीज चाहे जो धन दौलत चाहे हमको मिल जाए, हो सकता है जो जिद्दी में सब होता है अच्छी जिद्दी हो
वो भी चाहते हैं तो कौन भी ज्ञानी जोगी जितने हैं ये सब मांगने वाले भूखा है तो चीज मांगते इसलिए उसको शांति नहीं है। जब तक वो मांगने वाले ये मांगना है ये तो बिजनेस है बंद नहीं करे तब तक शांति नहीं। इसलिए चैतन्य चैतन्य तो मैं कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामिल फसनी असान चाहे कर्मी हो चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो ये सब अशांत क्यों उसका मान है। और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत जो कृष्ण का भक्त होते हैं वो शांत है क्यों उसका कुछ मांग नहीं है वो कृष्ण से कुछ मांगता ही नहीं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं धन नहीं चाहता हूँ और बहुत आदमी हमारा कुछ पीछे है लीडर हम लीडर भी नहीं मान कुछ चाहता हूँ न धना न जनम न सुंदरी कविता और बहुत सुंदरी कविता स्त्री वो भी नहीं चाहता यही दुनिया में सब कोई चाहते अच्छा स्त्री मिल जाए बहुत होशियार मिल जाए अब बहुत आदमी हमको हजूर हजूर कुछ करें लाभ पूजा प्रतिष्ठा यही चाहते हैं दुनिया बाकी कृष्ण और पुण्य है वो ये सब नहीं चाहते बेटी इसलिए वो निष्काम निष्काम तो वही कृष्ण भक्त है कौन नहीं कृष्ण भक्त निष्ठा देखिए कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जनाना जनाना सुंदरी कविता तो भी क्या चाहते हैं ममो जर्मनी जर्मनी तरे भवता जर्मनी जर्मनी का अर्थ क्या होता है अगर मुक्त हो गया तो फिर जन्म कहा तो मुक्ति भी नहीं था जो कृष्ण भक्त है जीवानंद मृंद भगवान आज तो उसका अगर मुक्ति को जागते हैं नहीं बेटा नहीं मुक्ति नहीं था इसका कारण क्या है इसका कारण उनको मुक्त है ही है जैसे भिन्न भगवान ठाकुर कहते हैं मुक्ति मुकुलता मुक्ति जो है वो तो हमारा काम में हाथ धो कर चाहिए बुजुर्ग बोलिए क्या चाहिए तो यदि आप शांति चाहते हैं तो उसी धर्म का अवलंबन कीजिए वो क्या चीज है जतो भक्ति रघो खजे सभी गुरु जटवर धर्म जतो भक्ति रघो खजे हमसे क्रिश्चियन धर्म से कोई मतलब नहीं है हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है और जितने धर्म है ये सब धर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है। यदि हम देखेंगे कि क्रिश्चियन धर्म में हिंदू धर्म में भगवत भक्ति जागृत होती है तब वो ठीक और नहीं तो बेकार सब धर्म को इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परीक्षा सब धर्म बेकार है जिसमें भगवत भक्ति आए कुछ काम का नहीं। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापना खाय धर्म को संस्थापन करने के लिए मैं संभव हुआ थे यार भूत हुआ है फिर कहते हैं सर्वधर्मान परीक्षा तो भगवान का ये काम नहीं है कि हिंदू धर्म स्थापित करने के लिए कृष्ण आए थे मुसलमान धर्म स्थापित करने के लिए आए थे नहीं ये सब धर्म नहीं है धर्म तो वही है जिसमें भगवान भक्ति हो बात बेकार कुछ काम का नहीं है एक भी काम नहीं समय वही केवल शासन का केवल समय जीवन भर धर्म जागरण किया और आखिरी में भगवान को समझा भगवत भक्ति नहीं तो शास्त्र का तो समय वही केवल केवल श्रम हुआ परिश्रम उसका लाभ हुआ कुछ लाभ हो धर्म स्थान स्थित कथा तुझा नोत्पादय बदते यदि समय वही केवल ये सब विचार शास्त्र भी पर कोई शास्त्र लीजिए वेदादि शास्त्र का वेद का क्या होता वेदांत का क्या होता वेद का अंत वेद माने ज्ञान और उसका अंत अंत में जो ज्ञान है
उसका नाम है वेदांत। ज्ञान तो अनेक प्रकार होता है, चोरी करो भी ज्ञान है, बिना ज्ञान से कोई होशियार चोर भी नहीं हो सकता, पकड़ा जाता है। तो ज्ञान अनेक प्रकार का है, असल जो ज्ञान है वो भगवत ज्ञान। इसलिए भगवान खुद कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंत, अनेक जन्म परिश्रम करते ज्ञान गो कर्म का साधन सर। जब उसकी बुद्धि पत्नी हो जाती है ज्ञानवान बुद्धिमान वाइज, उस समय भगवान में प्रवक्ष कर वासुदेव साधन। वो भगवान कौन है? वो भगवान कृष्ण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव का अर्थ होता है कृष्ण। इधर थाने उनका टीका बताए कृष्णा है वासुदेवा कृष्णा। जब ये परिस्थिति में आदमी पहुंचे कि भगवान कृष्णा ये असंजीव यानी मूल वस्तु, जैसे भगवान खुद कहते हैं आम सर्वस्व प्रभव, हम से सब कुछ हो, जितना देवता है ब्रह्मा श्रीन नारायण विष्णु इत्यादि और मनुष्य पशु इत्यादि, अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वानुपवर्तते इति मत्स्या भजन्ते वाग भूधा भाव भवन। जो भूधा भातृ जो विद्वान वो इसको समझते है, जो मैं जो कृष्णा ये मूल वस्तु। वेदांत में कहते हैं ब्रह्म वस्तु क्या चीज है? जन्मादस्तु कहता है, जहां से सब चीज का जन्म होता और उसको उतना देखिए भगवान पुस्तक से आम सर्वस्व तो मत सर्वंग। तो इस प्रकार कृष्ण को यदि आप लोग समझे हैं और उसको समझ में तो कोई मुश्किल नहीं है, भगवत गीता मानो था बाकी खेल का विषय है। भगवत गीता अंतर इधर उधर का बात बताते हैं, बड़े बड़े ऐसा कमेंटेटर विद्वान विपदगामी कर देते हैं, कृष्ण को छुड़ा देते हैं। इसलिए हजारों वर्ष भगवत गीता पढ़ते हुए भी जहां का तहा वही गिरे गए। ये तो अत्यंत तीस तो वन जो है उसको निकाल दिया केवल जीरो, तो एक का साथ एक जीरो सुन रहा है तो बस होता है सौ होता है, ये केवल जीरो है। जितना कमेंटरी है वो सब जीरो है, क्यों? वो एक जो कृष्णा है उसको छोड़ दिया। आप लोग देखिएगा आजकल आधुनिक का, आधुनिक का होता है जो कृष्ण को मार डाल मार, वो तो आधुनिक जाएगा तो बहुत पुरानी बात कम से कम बात था तो कृष्ण को मार, कृष्ण पहरा लगा दो जहां कृष्ण का जन्म होगा हमारे पास ले आ रहा उसी पर था मार। ये आधुनिक नहीं है, बहुत पुरानी बात। कृष्ण को जो लोग विमान राक्षस होते हैं वो तो केवल कृष्ण को मारने के लिए तैयार, वाह कतानी ये तक छोड़ दी, कृष्ण मारने वाला बात छोड़ दी, कमी सूची हो गई। कृष्ण को पकड़ी, कृष्ण तो भगवान था, कभी नाश कर रहा है, भगवान कहाँ है, भगवान क्या तू? और भगवान खुद आकर के चंद भक्त करते हैं मैं हूं अहम सर्वस्व प्रभव मत्तो परतरो नास्ति मामेव न प्रवर्तन्ते महानेतांतरंत। ये सब गीता में पढ़ रहे हैं और हजारों गीता भवन में है, बाकी कृष्ण तो हुआ हो असल काम है। ये पावर पॉइंट छोड़ कृष्ण को लीजिए असम आस्था से शक्ति बोले और नहीं तो समय वही केवल हो। और कृष्ण भजन करते करते कृष्ण भजन तो नहीं है माया भजन है, वो माया भजन करते करते माया का ही हाथ में रही जाएगी
और उनका हाथ परिश्रम मिलना बहुत ही मुश्किल है। माया में था तरन थे महामे बिना प्रबंधन तुम जब तक भगवान कृष्ण का चरण में शरणागति पूर्णतया नहीं हो तब तक वो माया का ही हाथ में रहेंगे। वो डिग्री का खाली फर्क है, 1% माया और 10% माया और 100% माया, बाकी माया 1% तक माया भी रहेगा तो भगवत का फुल बात हुई। तो वो 1% 0% या जीरो करने के लिए क्या पद्धति है वो भी भगवत बताना चाहते हैं। मान जब बैर तारुणी भक्ति जो भी राजा श्रीमते सगुणान धातु प्रेतान ब्रह्म भूया कल्प जो भगवत भक्ति भगवान कृष्ण का जो अभ्याविचारिणी भक्ति करो व्यविचारी भक्ति नहीं अभ्याविचार अभ्याविचार माने शास्त्र निर्देश जैसे हमारा मन माफिक नहीं जैसे आजकल एक थ्योरी है जिसका तो जैसा मन का है उसको ऐसी भगवान तो भजन कर ये गलत बात। भगवान एक है और भगवान को मिलने के लिए पथ भी एक है वो भक्ति वो ज्ञान भी नहीं योग भी नहीं और कर्म भी भक्त्या माँ अभी जाना ज्ञान व्यक्त्यान तत्व यदि भगवान पर समझने को चाहते हैं तो ये भक्ति जो तो आप देने को है दूसरे रास्ता नहीं हो और दूसरे रास्ता जो है उसमें आता है कि भक्ति योग में जब तक हम नहीं पहुंचे हैं तब तक वो भी सफल नहीं है। मुक्ति भी भगवत भक्ति बिना नहीं हो मुक्ति भी देने वाला भगवान है। अगर आप भक्ति जागरण करके भगवान से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान मुक्ति देने वाला है दे देगा आपको मुक्ति क्या मुश्किल है भगवान की। और जो भी चाहते हैं वो भी भगवान देने के लिए तैयार जब भगवान है सर्वशक्तिमान है। अगर आप योग सिद्धि चाहते हैं अगर दुनिया को भोग चाहते हैं और ज्ञानी होकर के मुक्ति चाहते हैं ये सब चीज भगवान दे सकते भगवान का पास कुछ कमी नहीं है आप जो चीज चाहिए आपको मिल जाए। तो इसमें छात्र कहते हैं अकाम सर्व कामों मोक्ष काम उदाहरण भी तीव्रेना भक्ति योगेना जजेता परमाम चाहे आप अपाम हो अपाम जो है भक्त तो क्या कुछ कामना नहीं और यदि आप सर्व काम है सर्व काम का कर्मी तब चाहते तब हो बने और मोक्ष काम है ज्ञानी जो मोक्ष चाहते इसी प्रकार दो प्रकार को चाहिए यदि आप मांगना है तो भगवान से ही मांग कृष्ण से ही मांग आपको मिल जाए। ये बात नहीं है कि भगवत भक्त होने से फिर हमको दुनिया का भोग नहीं मिलेगा। आप अगर दुनिया का भोग चाहते हैं तो भगवान से ही मांगिए जैसे दुनमा है भगवान से मांगने से आपको यही फल होगा कि एक दिन आप भगवत भक्त हो जाए। आज आपको कामनाएं है आप भगवान से मांगते हमको ये दीजिए वो दीजिए वो दीजिए तो मांगे मांगते मांगते एक दिन ऐसे दरोजा में आप पहुंच जाएंगे कि कहेंगे भगवान कि कहा कुछ भी बरम न जाती भगवान अब मैं किसान हो गया है अब हमारा कुछ मांग लू जगह चाहिए जिसको मिलना चाहे उसको कामना ही नहीं है सर्व कामना को पूर्ण मूर्ति भगवान है उसको मिलने से भी कामना इसलिए शास्त्र में निर्देश कर रहे हैं कि यदि आपको भीतर में कामना है तब भी भगवान भजन की आप जो सिद्धि चाहते हैं ये तो भगवान तो जो बेहतर है उनके उनसे बढ़कर जो भी कौन आ सकता है जो सिद्धि भगवान दे सकते हैं और मुक्ति देना उनका से कुछ है ही नहीं मुक्ति देखे तो जाते हैं जो मुक्ति से आज भक्तों लोग मुक्ति लेते ही नहीं मानव इस प्रकार का विचार है। तो जो ये जो कितना कृष्ण शास्त्र में निर्देश है वो भगवान को मिलने के लिए
कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. इतना देवा कृष्ण केवल कृष्णा और कृष्ण नाम कोई एक नहीं है. अभी नत्या नाम नाम ये जो बुद्ध भी है. अरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. ये क्या अर्थ होता है हरे हरे का अर्थ होता है हरा से हरे समूल हरा हे हरे. ये भगवान की शक्ति राधा रानी सीता देवी लक्ष्मी देवी भगवान की शक्ति. भगवान की शक्ति नहीं है सत्कुमार भगवान सशक्ति शक्तिमान परास्त शक्ति जीवित ये वेद का वचन है. भगवान की अनेक शक्ति विविधाई में त्रियत नाम अलग अलग है. कहीं राधा रानी है कहीं सीता है कहीं लक्ष्मी है कहीं दुर्गा है किसी प्रकार. ये सब भगवान के साथ शक्ति है. एक एक काम करने के लिए एक एक सब नियुक्त है. भगवान शक्तिमान तत्व है. भगवत गीता में कहते हैं बड़ा दत्ते ना प्रकृति पढ़ाते ये जितने प्रकृति है शक्ति है. शक्ति भी तीन प्रकार की होती है साधारण माया शक्ति तदस्था शक्ति और अंतरंगा शक्ति. अंतरंगा शक्ति से भगवान का वैकुंठ धाम है. माया शक्ति से भौतिक जगत है और तपस्या शक्ति से हम लोग है जीवा. तो हम लोग शक्ति तत्व है शक्तिमान तत्व नहीं है. जैसे शक्ति शक्तिमान का अधीन रहता है उसी प्रकार शक्ति तत्व यदि शक्तिमान का अधीन रहेगा वो सुखी रहे. जैसे हमारे देश में है अभी तक प्रकृति फ्री जो अपना पुरुष का अधीन न कहे वो शांति में है सुख में है. और जो पति स्थान छोड़ दिया शादी न पाता है वो दुखी है. अब देख लीजिए अब ये लोग अमेरिका में बहुत दुख है. ये लड़की लोग बहुत दुखी है क्या कि सब शादी है. और हाथ में कहते हैं स्त्री को शादी तो देना ही नहीं चाहिए वो दुखी रहे. वो अपना पिताजी का पराधीन है अपने तो पति का पराधीन है नहीं तो अपने जो पुत्र का पराधीन उसी में उनका सीख. वो शादी न हो जाएगा तो सुख नहीं होगा. भाई नहीं था प्रकृति प्रकृति का अर्थ होता है जब पुरुष का अधीन है. किसी प्रकार हम लोग सब प्रकृति है तटस्था शक्ति जीवात्मा. अपराया तक सुमे धीमे प्रकृति पर भगवत गीता में जहां एक प्रकृति है वो कौन है जीव. वो तो जीव जो है वो प्रकृति है वो पुरुष नहीं हो सकता. और कोई छदना करके पुरुष बन जाए तो खुराई पुरुष होगा पुरुष का काम करेगा. इसी प्रथा हम लोग तो प्रकृति तत्व है जीव होता प्रकृति परंतु अब अपराध उत्तर ये अपराध जरा प्रकृति अपराध ये सब विचार है. तो प्रकृति तत्व वो भगवान के अधीन में रहने से उनका सुख है. और वो शादी न हो करके धन करके पुरुष होने को चाहते हैं तो कभी सुखी नहीं हो. क्या अपराध होता तो वो कृत्रिम है. इसलिए सब शास्त्र तो निर्देश है कि भगवान का अधीन हो करके भगवान के चरणों का आश्रय करके सुखी रहो. भगवान पड़ी सज मामी कर तभी सुखी हो. और इधर उधर का बात करेंगे तो बात ही रह जाएगा तो कभी नहीं है ना सुखो ना परागत सुख भी नहीं सिद्धि भी नहीं ना परागति भी नहीं केवल थोड़ा ना तो वही चीज. थैंक यू भाई.